वालेकुम। आज जो है तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर तेलंगाना गवर्नमेंट श्री कुप्पला ईश्वर राव और हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब और श्रीनिवास यादव जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मिनिस्टर हैं इनकी तरफ से जो है एक मीटिंग बुलाई गई थी के मुस्लिम एमएलएस को बुलाया गया था। टीआरएस के मुस्लिम एमएलएस थे, उसमें आमिर शकील साहब थे और एमएलसी में जो है फरीदुद्दीन साहब और फारूक हुसैन साहब थे, एमआईएम के एमएलएस थे और कुछ उलमा मशायखीन की मीटिंग बुलाई गई थी जो प्रो टीआरएस प्रो एमआईएम उलमा मशायखीन हैं, जिसमें जमात इस्लामी है, जिसमें मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के लोग हैं। इनको बुलाकर जो है आनन फानन में एक वादा किया गया और एक मजीद वादा किया गया कि नेक्स्ट मंथ से जो है फ़रवरी के आखिरी हफ्ते से जो है जो सेक्रेटेरिएट में दो मसाजिद जिनको शहीद कर दिया गया था उसके अंदर जो है नई मस्जिद की तामीर का काम चालू होगा। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, उसके हबीब का शुक्र अदा करूँगा। उसके बाद में जितने भी लोग जो इस एहतजाज में शिरकत किए थे इनकी तो बिल्कुल ही नीयत नहीं थी। ना तो टीआरएस की नीयत है कि दोबारा मस्जिद को उसी मुकाम पर बनाना और ना तो एमआईएम में इतनी ताकत थी कि टीआरएस को दबाना, क्योंकि सब अनजान थे। ये इसका जो सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया था जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, जिसमें तकरीबन कई तंजीमें हैं, 40 तंजीमें, उससे बढ़कर सियासी गैर सियासी तंजीमें हैं, तहरीक मुस्लिम शब्बान, मजलिस बचाओ तहरीक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, कई तंजीमें इसमें, गैर सियासी तंजीमें ज़्यादा है और सियासी तंजीमें एक या दो सियासी तंजीमें हैं। तो सिग्नेचर कैंपेन जो चलाया गया था उसकी मजबूरी में आकर चीफ मिनिस्टर से जाके मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, यानी 6 जुलाई 2020 को मस्जिद शहीद हुई, 2 महीने तक ना तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई बयान दिए, ना मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट कोई बयान दिया, ना अकबरुद्दीन ओवैसी कोई बयान दिए। ये जो सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया था 8 जुलाई के दिन जो है अचानक एक वफद मिला था, वो 8 जुलाई के वफद जाके 6 सितंबर का वादा लेकर आए थे लोग, इन्हें 6 सितंबर के दिन एक वफद मुलाकात किया था और अक्टूबर की दूसरे हफ्ते में तामीर का वादा लिया गया था, तो फिर ये वादा भूल गए थे। हालिया जो है चलो सेक्रेटेरिएट जो मूवमेंट चलाया गया जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना एंड आंध्रा जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वेनर खास तौर पर जनाब मुश्ताक मलिक साहब ने ऐलान किया था, तमाम जमातें मजलिस बचाओ तहरीक में इसमें हिस्सा लिए थे, हमको भी हाउस अरेस्ट किया गया था, कई लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई थी। इसकी तरफ से जो है चीफ मिनिस्टर परेशान हो गए एजिटेशन से कि कहीं ऐसा ना होगा कि तेलंगाना में सड़कों पर नमाज पढ़ने का जो एहतजाज शुरू किया गया था, इससे घबरा कर चीफ मिनिस्टर आनन फानन में एक इजलास बुलाए और वही उलमा मशायखीन को बुलाए जो उलमा मशायखीन टीआरएस की तायिद करे या टीआरएस के मस्जिद की शहादत पर खामोश थे, उनको ही बुलाकर यह तयखुन दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि इस तयखुन पर चीफ मिनिस्टर कायम रहेंगे, पहली चीज़। लेकिन जितने भी आज गए थे मैं सबके बयान सुना, जनाब आमिर शकील साहब आप वाहिद इलेक्टेड एमएलए हैं तो आप में हिम्मत नहीं है। 6 जुलाई को मस्जिद शहीद हुई, आज जो है तकरीबन जनवरी की 27 तारीख है, पूरे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 8 महीने हो गए, आमिर शकील साहब एक स्टेटमेंट नहीं दिए, बड़े अफसोस की बात है। आप वाहिद इलेक्टेड एमएलए हैं, यकीनन आपके साथ नाइंसाफी हो रही, आपको मिनिस्ट्री नहीं दे रही, लेकिन आप जहां पर मस्जिद का मसला आता है आपका काम था बयान देना, आप एक मर्तबा भी बयान नहीं दिए। उसके बाद में हमारे 3 एमएलसी हैं वहां पर मुस्लिम एमएलसी, फरीदुद्दीन साहब है, फारूक हुसैन साहब हैं, 2 एमएलसी हैं मुस्लिम एमएलसी, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई कभी कोई नुमाइंदगी नहीं करे ये लोग। महमूद अली साहब हैं, उन्होंने तो बेचारे ऐसा बोले कि स्टार्टिंग में बयान दिए कि मलबा गिरा, मस्जिद का कुछ हिस्सा शहीद हुआ, तो ऐसे झूठे होम मिनिस्टर का हम कैसा यकीन करेंगे, अभी भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इन द पॉजिटिव थिंकिंग हम ये समझते हैं कि फरवरी आपका जो नया वादा किया गया है कि 10 फरवरी के दिन मीटिंग बुलाएंगे
आपकी अगर नीयत साफ है तो आप जो है तमाम को बुलाइए। आज की मीटिंग में मौलाना जाफर पाशा को क्यों नहीं बुलाए, आज की मीटिंग में मजलिस बचाओ तहरीक को नहीं बुलाए, आज की मीटिंग में जॉइंट एक्शन कमेटी में जितने लोग हैं किसी को नहीं बुलाए। वो तो जनाब मुश्ताक मलिक साहब को ये मीटिंग के बारे में इत्तला हुई, वो खुद गए वहां पर मीटिंग में, मीटिंग अटेंड किए। वहां पर मीटिंग में मुश्ताक मलिक साहब को देखते ही चराग्पा हो गए। अहमद बलाला और आपके अहमद पाशा खादरी दोनों एतराज करने लगे। अरे एक शख्स इतना लंबा एजिटेशन चलाया, सिग्नेचर कैंपेन चला रहा, रोडों पे एहतजाज हुआ, अमली एहतजाज हुआ, तो ऐसे शख्स को आप मीटिंग में क्यों एतराज करें? आपकी नीयत ये समझ में नहीं आ रही। जाफर पाशा को आज मैं होम मिनिस्टर से सवाल कर रहा हूँ, श्रीनिवास यादव से सवाल कर रहा हूँ, मैं कुपुला ईश्वर माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर से सवाल कर रहा हूँ, और आपके जितने आमिर शकील से मेरा सवाल है, कि MLC फारूक हुसैन से मेरा सवाल है, और सैयद फरीदुद्दीन साहब से सवाल है कि आप मौलाना जाफर पाशा को क्यों नहीं बुलाए मीटिंग में, समझ में नहीं आ रहा। तो खैर, किसी को बुलाने से किसी को नहीं बुलाने से आप कोई वो होने वाला नहीं है। हम जो एहतजाज किए, एहतजाज की कामयाबी का नतीजा है। मैं सलाम करता हूँ उन तमाम एहतजाजियों को जो सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा लिए, मैं सलाम करता हूँ उन तमाम एहतजाजियों को जो गिरफ्तार हुए, जो रोड पर सड़कों पर नमाज पढ़े, और उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत ये सेकेंड ये जो आने वाले फरवरी 24 तारीख से तामीर के काम का इफ्तिदा अमल में आने का जो बात की है, इस पे इस वादे पर कायम रहेंगी तेलंगाना सरकार। और रही बात मस्जिद के नक्शा कैसा रहेगा, मस्जिद कैसी रहेंगी, हर तंजीम वहाँ पर चार तंजीमें 22 मिनट की मीटिंग में बाहर निकल के हामिद मोहम्मद खान साहब एक स्टेटमेंट दे रही हैं, मैम वाले एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो आपके वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब एक बयान दे रहे हैं, आमिर शकील साहब एक बयान दे रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये अपनी अपनी जाती राय नहीं, सब मिलकर बैठ के खूबसूरत दो मस्जिद वहाँ पर तामीर होंगे, ये मेरी उम्मीद है। और आइंदा जो 10 फरवरी की मीटिंग है, मैं कुप्पुला ईश्वर माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर से मेरी गुजारिश है कि आप सबको बुलाइए। अगर आपकी नीयत साफ है तो जितने लोग एहतजाज करें जॉइंट एक्शन कमेटी के, सबको बुलाइए। मौलाना जाफर पाशा को भी बुलाइए, नहीं ये चोरा चोरा गांव बांट लेंगे, ये कुलिया में गोल फोड़ लेंगे, ये चलने वाला नहीं है। हमारे एहतजाज की मजबूरी से आज आप मस्जिद को दोबारा तामीर करने पर, क्योंकि बल्दिया इलेक्शन में जो झटका लगा, जो अल्लाह की मार पड़ी TRS वालों को, तो उसका नतीजा है कि ये मस्जिद को दोबारा तामीर करने के लिए आज मीटिंग बुलाया। और ऐसी तारीफ कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर की निकल के बाहर मीटिंग में से, कि चीफ मिनिस्टर बोले कि गुस्से में आए, अभी तक मलबा क्यों नहीं हटा, नाराज हो गए, ये किसको खुश करने बोल रहे हैं सलीम साहब? सलीम साहब का बयान आया, मुझे हंसी आई ये बयान देखकर। आप किसको खुश करना चाह रहे हैं? आप कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक अपने जमीर को आप झुटकारेंगे? आप अगर चीफ मिनिस्टर की नीयत साफ रहती तो जो मस्जिद तोड़े, जो कुरान की बेरुमती, कोई लीडर मीटिंग में, कोई मुस्लिम MLA मुस्लिम MLC बशमूल होम मिनिस्टर के, किसी में हिम्मत नहीं हुई कि कुरान की बेरुमती हुई, मेंबर रसूल की बेरुमती हुई, आज तक मलबे में कुरान दबा हुआ है, उसको हटाने के ऊपर कोई बातचीत नहीं की गई। कौन खाती अहदेदार है? क्या चीफ मिनिस्टर की इमा पे तोड़ा गया? क्या चीफ सेक्रेटरी की इमा पे तोड़ा गया? इसके ऊपर क्यों केस नहीं बुक किया जा रहा है? मस्जिद तो इंशाल्लाह जरूर बनेगी, लेकिन मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालिबा है कि आप जो है जो खाती तोड़ा है मस्जिद, उसके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए और उसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। मैं दोबारा मुबारकबाद देता हूँ जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वेनर जनाब मुश्ताक मलिक साहब को, मैं मुबारकबाद देता हूँ जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम तंजीमों को, तमाम जितने भी एक एक लोग जो साइन करे, जो एहतजाज में हिस्सा लिए, एक एक शख्स जो रोड पर उस दिन निकला, खवातीन रोड पर निकले, मैं सलाम करता हूँ बुरखा पोश खवातीन को जो सेक्रेटेरिएट तक आए, गिरफ्तार हुए, यार जिंदा।